केस का अंजाम जो भी हो, लेकिन मुंबई पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि मराठी भाषा का यूज करते हुए सुशांत की फैमिली को ट्रबल किया जा रहा था। क्या कुछ रीजंस है, क्या कुछ ये डिटेल स्टोरी है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने हाल ही में इस बात को कहा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है कि कैसे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो भी बिना जो विक्टिम है उनके फैमिली के स्टेटमेंट्स बिना रिकॉर्ड किए, क्लोज फ्रेंड्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए, जिस व्यक्ति का वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था संदीप सिंह, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए, उन्हें नहीं बुलाया गया, फैमिली की तरफ से FIR नहीं दाखिल की गई। लेकिन ऐसे में विकास सिंह का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है उनसे एक लेटर पर साइन करवाया जा रहा था, जी हाँ, उनसे कुछ स्टेटमेंट्स पर साइन करवाया जा रहा था और वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी मराठी में, जी हाँ, मराठी में लिखे हुए एक पेज पर साइन करवाया जा रहा था। और उसके अंदर क्या लिखा था, क्या मेंशन था, फैमिली को इस बात की ज़रा भी इस बात का आइडिया नहीं है, ज़रा भी इस बात की नॉलेज नहीं है और ना ही मुंबई पुलिस ने बताया। मराठी में कुछ चीज़ें उनसे मराठी में कुछ चीज़ें लिखी गई एंड फिर उस पर मुंबई पुलिस जो है वो प्रेशराइज कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को कि आप साइन कीजिए, आप इस रिटन चीज़ पर साइन कीजिए। लेकिन जब फैमिली ने सवाल उठाया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है तो हम कैसे साइन कर दें, तो मुंबई पुलिस ने जो है बहुत ही एक यू नो वियर्ड तरीके से इस पूरे केस को संभाला है, या इस पूरे केस को रादर आप कह सकते हैं कि बिगाड़ा है, जिस तरीके से ये बातें विकास सिंह ने कही है कि कैसे मराठी में लिखे हुए स्टेटमेंट्स पर आप फोर्स कर रहे हैं फैमिली को कि आप इसको साइन कीजिए, आप इसको साइन कीजिए, ना ही हिंदी में लिखा है, मातृभाषा है जो हमारे देश की, ना ही इंग्लिश में लिखा है जो कि एक जनरल नॉलेज, एक जनरल लैंग्वेज है। सो यहाँ पर सवाल डेफिनेटली मुंबई पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि क्यों आप मराठी में रिटन स्टेटमेंट्स पर साइन करवाने के लिए इतने उत्सुक थे और साइन करवाना चाह रहे थे फैमिली से, ताकि फैमिली को पता ना चले कि आप किस चीज़ पर साइन करा रहे हैं। अब आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।